हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत करुच्छे आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज आम फॉरेस्ट गार्ड पर 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल साइंस क्वेश्चन डिस्कस करने को जाऊँ। तो चलो तो से सब क्वेश्चन अभी डिस्कस कर। तो क्वेश्चन नंबर 93 कहीं आम अलरेडी 92 टे क्वेश्चन डिस्कस कर सारूँ, जार प्लेलीस्ट आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देदेव, जहाँ को विजिट कर आप यहाँ पढ़ी पारे। एवं चलो तो क्वेश्चन नंबर 93 को जी। 93 टे है व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड सबुठ स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट रो नाम कौन, ये सब ऑप्शन देती। ऑप्शन देखिए यार आंसर कमेंट करूँ। आंसर कमेंट कले एवं चलतु यार सठिक उत्तर जाए नवा। तो यार सठिक उत्तर टू है ऑप्शन नंबर सी, जोटा कि ऑस्ट्रेलिया। तो एवं नंबर 94 को दिया क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 टू है व्हिच इज द हाइएस्ट माउंटेन पिक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड सबुठ हाइएस्ट माउंटेन पिक र नाम कौन, ये सब ऑप्शन देती। ऑप्शन देखिए यार आंसर कमेंट करूँ। आंसर कमेंट कले एवं चलतु यार सठिक उत्तर जाए नवा। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जोटा कि माउंट एवरेस्ट। तो ये सब क्वेश्चन आम फायरमैन फॉरेस्ट गार्ड पर आसुअ। प्लीज भिडियोटी को लास्ट पर्यटन देखिए आ भल भाव देखा चेषा करेंगे। एवं क्वेश्चन नंबर 95 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 95 टे है व्हिच इज द लार्जेस्ट लिवर इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम। ये क्वेश्चन टी फायरमैन एग्जाम भी आसी। तो यार आंसर कमेंट करूँ। ये सब ऑप्शन देती। ऑप्शन देखिए यार आंसर कमेंट करूँ। आंसर कमेंट कले एवं चलते यार सठिक उत्तर जाए ना। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जोटा कि है अमेजन रिवर। एवं चलते क्वेश्चन नंबर 96 को जी। क्वेश्चन नंबर 96 है व्हिच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड सबुठ लार्जेस्ट डेजर्टर नाम कौन, ये सब ऑप्शन देती। ऑप्शन देखिए यार आंसर कमेंट करूँ। आंसर कमेंट कले एवं चलते यार सठिक उत्तर जाए ना। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जोटा कि है सहारा डेजर्ट। एवं क्वेश्चन नंबर 97 को जी। क्वेश्चन नंबर 97 टे है व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड सबुठ लार्जेस्ट ओशन र नाम कौन, ये सब ऑप्शन देती। ऑप्शन देखिए यार आंसर कमेंट करूँ। आंसर कमेंट कले एवं चलते यार सठिक उत्तर जाए ना। तो यार सठिक उत्तर टे है ऑप्शन नंबर ए, जोटा कि है पैसिफिक ओशन। एवं चलते क्वेश्चन नंबर 98 को जी। क्वेश्चन नंबर 98 है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वाटर। वाटर र साइंटिफिक नेम कौन, ये सब ऑप्शन देती। ऑप्शन देखिए यार आंसर कमेंट करूँ। आंसर कमेंट कले एवं चलते यार सठिक उत्तर जाए ना। तो यार सठिक उत्तर टी है ऑप्शन नंबर ए, जोटा कि है H2O। एवं क्वेश्चन नंबर 99 को जी। क्वेश्चन नंबर 99 व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सॉल्ट। सॉल्ट रो केमिकल फॉर्मूला कौन, एटा जनरल साइंस क्वेश्चन। तो यार आंसर कमेंट करूँ। तो आंसर कमेंट कले एवं चलते यार सठिक उत्तर जाए ना। तो सॉल्ट रो जनरल केमिकल फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर ए, NaCl। एवं क्वेश्चन नंबर 100 को जी। क्वेश्चन नंबर 100 है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सुगार। सुगार रो साइंटिफिक नेम कौन, ये सब ऑप्शन देती। ऑप्शन देखिए यार आंसर कमेंट करूँ। आंसर कमेंट कले एवं चलते यार सठिक उत्तर जाए ना। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जोटा कि C12H22O11। आउ थे कहीदु C12H22O11 है सुगार साइंटिफिक फर्मूला। एवं चलते क्वेश्चन नंबर 101 को जी। 101 जोटा कि क्वेश्चन है व्हाट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रॉक दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मैग्मा और लाभा। क्वेश्चन टी पचारा कौ प्रकार सॉल्ट माने यानी कि कौ प्रकार मूर्तिका गठन होता है जिते बड़े आम मैग्मा किंवा लाभा जिते शीतल शीतल होता है। लाभा शीतल होगा द्वारा कौ प्रकार मूर्तिका गठन होता है, ये सब ऑप्शन देती। ऑप्शन देखिए यार आंसर कमेंट करूँ। आंसर कमेंट कले एवं चलते यार सठिक उत्तर जाए ना। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जोटा कि इग्नियस रॉक। आमर लाभा कि मैग्मा थंडा है कौ रॉक तैयारी होता है, इग्नियस रॉक तैयारी होता है। एवं क्वेश्चन नंबर 101 को जी। क्वेश्चन नंबर 101 है व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। कौ प्रोसेस द्वारा बड़ बड़ पहाड़ खंड रॉक्स गुड़ा को छोट छोट पीस रे
भांगी जाए थाए। तो यही सब ऑप्शन देखी ऑप्शन देखी आप यार आंसर कमेंट करूँ आंसर कमेंट कले एवं चलत तो यार सठिक उत्तर जाए ना। तो यार सठिक उत्तर टी है ऑप्शन नंबर ए जोटी कहला वेदरिंग। वेदरिंग प्रोसेस द्वारा आम बड़ बड़ रॉक सब भांगी छोट खंड हो जाए थाए जहाँपुर देखा तो ये रॉक टी किपर भांगी जाए हूँ नेचुरल प्रोसेस द्वारा ही भांगी थाए। तापर एवं क्वेश्चन नंबर शहे शहे तीन को जी क्वेश्चन नंबर शहे तीन टी है व्वेर कैन यू फाइंड फॉसिल। फॉसिल मान आम जैवाश्म आप कौट पाइबे कौ रक्रु आपको मिल सब ऑप्शन देखिए कौ रक् टी फॉसिल द्वारा तैयारी होता है फॉसिल थाए एवं ऑप्शन देखिए आप यार आंसर कमेंट कले एवं चलते यार सठिक उत्तर जाए ना। तो यार सठिक उत्तर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जोटा कि सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक रे आप फॉसिल पाइपर फॉसिल टे कौन गोटे जीव जो मरी जाए थाए तार जीवाश्म तार हाड़ से जो रही जाए थाए जो रॉक तैयारी होता है जो मूर्तिका तैयारी होता है ताक कौन कह जाए सेडिमेंटरी रॉक। आप इमेज रु भी सही देखिपे केमी सेडिमेंटरी रॉक अच्छी यहाँ केमी गोटे जीवर हाड़ रही हाड़ी मटी मिशिगला जो प्रकार रॉक तैयारी होता है ताको आम कौन कही था सेडिमेंटरी रॉक। एवं क्वेश्चन नंबर 104 को जो क्वेश्चन नंबर 104 है व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ फॉसिल। आमर कौ प्रकार तीन प्रकार फॉसिल अच्छी तो यही सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए आप यार आंसर कमेंट करूँ आंसर कमेंट कले एवं चलत यार सठिक उत्तर जाए ना। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जोटा कि बॉडी बॉडी फॉसिल ट्रांस फॉसिल एंड केमिकल फॉसिल्स। फॉसिल्स मैंने जीवाश्म जोटा कि मट्टी भितर पोति थाए जो जीव गुड़ाक मट्टी भितर पोति जीवा द्वारा जो प्रकार पदार्थ गठन होता है ताकि फॉसिल्स कहा जाए। एवं क्वेश्चन नंबर 105 को जी क्वेश्चन नंबर 105 टी है व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच सेल्स सेल्स चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। कौ प्रोसेस द्वारा गोटे सेल गोटे प्रकार आउ गोटे प्रकार को ट्रांसफर होता है ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए आप यार आंसर कमेंट करूँ तो आंसर कमेंट कले एवं चलत यार सठिक उत्तर जाए ना। तो यार सठिक उत्तर टी है ऑप्शन नंबर ए जोटा कि है डिफरेंशिएशन। जमीक आप देखिपे स्टेम सेल किपर भांगिक फैट सेल कन्वर्ट हो मसल सेल चेंजेस हो सेक्स सेल इम्यून सेल एपिथेलियल सेल नर्वस सेल आप यार चित्र को भल भाव देखी पार्थे एवं चलत क्वेश्चन नंबर 106 को जी क्वेश्चन नंबर 106 कौन व्हाट इज द फोर मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी रे मनुष्य शरीर रे चारिटी मेन प्रकार टिश्यूर नाम कौन ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए आप यार आंसर कमेंट करूँ आंसर कमेंट कले एवं चलते यार सठिक उत्तर जाए ना। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जोटा कि आम एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मसल टिश्यू एवं नर्वस टिश्यू यही चारि प्रकार टिश्यू मनुष शरीर थाए। एवं चलत क्वेश्चन नंबर 107 को जी क्वेश्चन नंबर 107 है व्हाट इज द ऑर्गन दैट फिल्टर्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। कौ ऑर्गन टी मनुष्य शरीर ब्लड को फिल्टर कर थाए यही सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए आप यार आंसर को कमेंट करूँ आंसर कमेंट कले एवं चलते यार सठिक उत्तर जाए ना। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए किडनी। किडनी आम शरीर रक्त को प्यूरीफाए कर थाए रक्त को फिल्टर कर थाए आउट थाए किडनी आम शरीर पाकर थाए दुईट किडनी थाए आप देखिपे। एवं क्वेश्चन नंबर 108 को जी क्वेश्चन नंबर 108 है व्हाट इज द ऑर्गन्स दैट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कौ ऑर्गन टी कंट्रोल करी थाए ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए यार आंसर कमेंट करूँ आंसर कमेंट कले एवं चलत यार सठिक उत्तर जाए ना। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जोटा कि हाइपोथैलामस। हाइपोथैलामस आम बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर थाए। एवं चलत क्वेश्चन नंबर 109 को जी क्वेश्चन नंबर 109 है व्हाट इज द ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। कौ ऑर्गन एमान भितर कहतु जोटा कि आम हार्मोन तैयारी करें।
ଏଇସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖି ଆପଣ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯାଇ ନେବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଆମ ଶରୀରରେ ହରମୋନ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଆଡ୍ରିନାଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ପାନକ୍ରିଆଜ୍, ଥାଇମସ୍, ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଇଏ ସବୁ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ହରମୋନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 110କୁ ଯିବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 110 ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅର୍ଗାନ୍ ଦାଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ୟୁରିନ୍। ୟୁରିନ୍ ୟୁରିନ୍କୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏଇସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖି ଆପଣ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯାଇ ନେବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ବ୍ଲାଡ଼ର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 111କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 111ଟି ହେଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେକ୍ସ ଦେୟାର ଓନ୍ ଫୁଡ଼। କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଛ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ଏଇସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖି ଆପଣ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣି ନେବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ଯାହାର ପିକ୍ଚର୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଠି ଚେୟାର ଦ୍ୱାରା ୱାଟର୍ ନେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ଆଲୋକ ସଞ୍ଚାର କଲା, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ନେଲା, ତା'ପରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାହାର କଲା। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 112କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 112ଟି ହେଲା କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିକ୍ସ ମେନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଦାଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିଡ୍ସ ଟୁ ଗ୍ରୋ। କେଉଁଟି ମାନେ କେଉଁ 6ଟା ଆବଶ୍ୟକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଏଇସବୁ ଅପସନ୍କୁ ଦେଖି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯାଇ ନେବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟିକି ହେଲା କାର୍ବନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏଣ୍ଡ ପଟାସିୟମ୍। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଟର୍ ମୁଭ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର। ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟରକୁ ୱାଟର୍ ଯିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏଇସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯାଇ ନେବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 114କୁ ଯିବା। ତା'ପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଗଛ ଚେର ଦ୍ୱାରା ୱାଟର୍ ନେଲା ଆଉ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେଲା, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 114। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 114ଟି ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଥ୍ରୀ ମେନ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍। ଆମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍କୁ କାଟାଗୋରାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ତା ଭିତରୁ 3ଟି ମେନ୍ ପ୍ରକାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣି ନେବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ଏକ୍ୱାଟିକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ମେରାଇନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍। ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥଳଭାଗରେ, ଏକ୍ୱାଟିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଜଳଭାଗରେ, ଆଉ ମେରାଇନ୍ ମାନେ ପୁରା ପାଣି ସ୍ଥଳ ଜଳଭାଗରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 115କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 115ଟି ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଗୋଟେ ଜୀବଟେ ତାର ପରିବେଶ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରେ ଆଉ ଅଦର୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରେ, ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯାଇ ନେବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଇକୋଲୋଜି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇକୋଲୋଜି ଆମର କେମିତି ରହୁଛୁ, ଗୋଟେ ପପୁଲେସନ୍, ପିପୁଲ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରହୁଛୁ, ପିପୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରହୁଛୁ, ପିପୁଲ ଆଉ ଏକ୍ୱାଟିକ୍ ମାନେ ୱାଟର୍ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରହୁଛୁ, ଅର୍ଗାନାଇଜିମ୍ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ତାକୁ କ'ଣ କହିଲା ଇକୋଲୋଜି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 116କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 116ଟି ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍। ପପୁଲେସନ୍
को स्टडी करिया पई ताकू को टर्म दे जी माने ताकू कोन कह जाय त एटी ऑप्शन नंबर ए जोटा गेला पॉपुलेशन इकोलॉजी एबे क्वेश्चन नंबर 117 को जीवा क्वेश्चन नंबर 117 टेला व्हाट इज द स्टडी ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करिया को कोन कह जाय ए सब ऑप्शन दे जी ऑप्शन देखि यार आंसर कमेंट करंतु तो आंसर कमेंट करले एबे चलन त यार सटीक उत्तर जाय नबा तो यार सटीक उत्तर टेला एटा कम्युनिटी इकोलॉजी को आ जाय एबे क्वेश्चन नंबर 118 को जीवा क्वेश्चन नंबर 118 टेला व्हाट इज द स्टडी ऑफ इकोलॉजी इकोसिस्टम इकोसिस्टम को स्टडी करिया को कोन कह जाय तो जार आंसर हैला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जोटा कि इकोसिस्टम इकोलॉजी एबे क्वेश्चन नंबर 119 को जीवा 119 हैला व्हाट इज द स्टडी ऑफ लैंडस्केप लैंडस्केप को स्टडी करिया को हम कोन कहिथाउ लैंडस्केप को स्टडी करिया को हम कहिथाउ लैंडस्केप इकोलॉजी तापर क्वेश्चन नंबर 120 को जीवा व्हाट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट ह्यूमन आउ एनवायरनमेंट भीतर जो रिलेशन अछि एटा को हम स्टडी करिया को कोन कहिथाउ ए सब ऑप्शन दे छी ऑप्शन देखि यार आंसर कमेंट करंतु आंसर कमेंट करले तार सटीक उत्तर छालंतु एबे जाय नबा ता सटीक उत्तर हला एनवायरमेंटल साइंस तो फ्रेंड्स आज थिला ए 30 टी इंपोर्टेंट जनरल साइंस क्वेश्चन जा फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट रहइबो तो ए सीरीज टोटल 10000 क्वेश्चन पर्यंत ही चालिबो त चैनल टी प्लीज सब्सक्राइब करंतु आ बेल आइकन भी दबे देंतु सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।